हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये क्लासेस आपके लिए स्टूडेंट खास होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक नई है ना शुरुआत के साथ है ना। और इसको जो है ना आजकल चैलेंज बैच बोला जा रहा है और ये आपको होकर ही रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, पापा की मेहनत को एक ही पहचान देनी है। पापा की मेहनत को एक ही पहचान देनी है। कैसे हार जाऊँ मुश्किलें से, कैसे हार जाऊँ मुश्किलें से, अभी तो माँ के हाथों में पहले कमाई देनी है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, छोटी ही कमाई लेकिन पहले कमाई माँ के हाथों में देनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग टोटल, ये सब डेडिकेटेड क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट। इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसी टाइप का लंबा लंबा क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड का क्वेश्चन और एक्सेल का क्वेश्चन, कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि डेटा एंट्री NIOS का जो सिलेबस है इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम पासिंग मार्क्स के लिए आपको है ना एक्सेल, वर्ड और कंप्यूटर फंडामेंटल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कंप्यूटर फंडामेंटल में भी डेप्थ नहीं, बेसिक ही लेवल होगा, चलिए है ना। और टाइपिंग अपना बरकरार रखना स्टूडेंट। तो चलिए आप बताइएगा इसमें से क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज को कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए निम्न में से अनुक्रम का उपयोग करेंगे, किस करु अनुक्रम का उपयोग करेंगे स्टूडेंट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ, यूज टू क्रिएट कस्टमाइज लेवल इन मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप जवाब दीजिए स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप जवाब दीजिए इसका। सबसे पहले देखो यहाँ पे मेलिंग में जाते हैं, लेवल में जाते हैं, लेवल ऑप्शन में जाते हैं, फिर न्यू लेवल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेलिंग में, लेवल में जाना, फिर लेवल्स में जान, लेवल ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद न्यू। इसका जो सही आंसर होगा ये 2016 के हिसाब से ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये फर्स्ट वाला ही इसका सही आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की बात कर रही है, लेकिन यहाँ इसमें कोई वर्जन नहीं लिखा हुआ है। A1 से लेके C3, क्या बोला है यहाँ पे, A1, ध्यान से समझिएगा, A1 से लेके C3 में कॉपी किए जा रहे फॉर्मूला के लिए यदि सेल रेफरेंस $1, ध्यान दीजिएगा $1, इसका मतलब हुआ ये फिक्स रेफरेंस है तो यह डैश बन जाता है। तो क्या बन जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, क्या बन जाता है, लिखा हुआ है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ द सेल रेफरेंस इज A1 फॉर द फॉर्मूला बीइंग कॉपीड टू फ्रॉम द है ना A2 C3 टू बिकम्स, तो ये क्या बन जाएगा। देखो अगर ये फिक्स्ड है, ये फॉर्मूला अगर फिक्स्ड है मतलब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, तो ये जो है ना कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है, जस के तस रहेगा, मतलब ये सेम उतर जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे कॉपी भी करिएगा तो भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये डॉलर लगाओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम फिक्स है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रो फिक्स है, और ये पूरे अगर दोनों बोला जाए तो एक तरह से एक सेल फिक्स है, एक बॉक्स फिक्स है स्टूडेंट, है ना। कंप्यूटर में ये जो एक्सेल में सेल रहता है वो एक बॉक्स फिक्स रहता है, और इसको ड्रैग करने के बाद इसका एड्रेस चेंज नहीं होने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये बोला कभी भी फार्मूला को अगर कॉपी करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसका सही आंसर यही होगा एकदम एग्जिट इज, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना कि वर्ड, एक्सेल है ना, और आपको पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन रहेगा, नो डाउट पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर फंडामेंटल ज़्यादा क्वेश्चन एक्सेल से, उसके बाद वर्ड से, उसके बाद CF मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल से रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंक्लूडेड रहेगा स्टूडेंट। तो आपको ध्यान देना स्टूडेंट,
ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, बताइए फोर्थ जनरेशन की भाषा इसमें से कौन सी है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें से फोर्थ जनरेशन की भाषा कौन सा है। तो फोर्थ जनरेशन का जो लैंग्वेज है वो आपका पाइथन है स्टूडेंट, कौन सा है पाइथन। फोर्थ जनरेशन की भाषा जो है इसमें कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पे पाइथन है। क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, ये किससे क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे पावर पॉइंट से। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड है ना पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। अमान्य मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये गलत है, कौन सी विधि गलत है स्टूडेंट। क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनवैलिड फॉर स्विचिंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर है ना इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा है ना, ग्रिड लाइंस का उपयोग करना, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है राइट क्लिक करना और अगला या पिछला बॉटम, यहाँ लिखा हुआ है बॉटम लेफ्ट नेविगेशन बटनों का प्रयोग करना और स्क्रॉल बार का उपयोग करना। इसका बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है, बोला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना है तो राइट क्लिक करना है और अगला स्लाइड और पिछला स्लाइड में जा सकते हैं, ठीक है, ओके जा सकते हैं। बॉटम लेफ्ट नेविगेट नेविगेशन बटन इसको बोलते हैं, ये जो देख रहा है ना चारों एरो बटन उसको नेविगेशन बटन, उसके मदद से जा सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रॉल बार का उपयोग करना, स्क्रॉल बार का यूज करके भी जा सकते हैं, लेकिन क्या हम ग्रिड लाइन इससे ताल्लुक है, जाने से कोई ताल्लुक है, ग्रिड लाइन में तो शो कर रह सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर ये अमान्य आंसर यही है, मतलब ये असत्य वैल्यू है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब आगे बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दीजिएगा, इस बार आपको बेल्ट्रॉन किसी भी हर हाल में आपको अचीव करना है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 35 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई सीट को इंसर्ट करने का विकल्प होम टैब के भीतर डैश समूह में पाई जा सकती है। क्या बोला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई सीट को है ना इंसर्ट कर, नया अगर सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर किस ग्रुप, यहाँ पे समूह का मतलब किस ग्रुप में पाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हमको न्यू सीट अगर इंसर्ट करना है, एक्सेल खोलते हैं और आपको होम टैब के आपको कौन सा ग्रुप जाना होगा, सेल ग्रुप पे। ये देखिए आप यहाँ पे न्यू सीट इंसर्ट करने का इसी में मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ ना, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखिए आप देखिए इंसर्ट होम टैब में गए हैं और आपको क्या है इंसर्ट में और आपको इंसर्ट सीट, और ये कौन सा ग्रुप है, सेल ग्रुप है। इसका नाम कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, सेल CEL है, तो सेल ग्रुप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर है, कहीं सेल है, देखो ये गलती से SELS लिखा गया, CEL लिखाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका सही आंसर सेल होगा, ये सेल्स नहीं होगा सेल है ना, सेल्स होगा भी तो इस तरीके से सेल की बात, क्लियर है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कई सारे टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण, मतलब पहला डिवाइस विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है, बताइए। तो यहाँ पे कौन सा मतलब बोल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मतलब इक्विपमेंट इज स्पेशली रिक्वायर्ड टू फैसिलिटीज एज फैसिलिटेट
अ होम कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट। होम कंप्यूटर में इंटरनेट को कर, मतलब घर में अगर जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट के लिए कौन सा फैसिलिटी इंटरनेट को प्रदान करने का फैसला, तो ये मॉडेम, ये देख रहे ना, मॉडेम एक ऑप्शन है, डोंगल जिसको हम बोलते थे स्टूडेंट, डोंगल के मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, यूज कर सकते थे, नहीं पहले रहता था, आजकल वाईफाई का यूज कर लेते हैं, लेकिन मॉडेम का, मॉडेम आज का जनरेशन में यूज नहीं होता है, लेकिन मॉडेम का यूज उसमें सिम लगाकर रिचार्ज करवाते थे और इंटरनेट वगैरह चलाते थे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा, क्या बोला, निम्नलिखित कथन असत्य है या सत्य है बताइए, है ना, स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत है बताइए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ, वी कैन हाइड द सेलेक्टेड सेल इन अ वर्कशीट, क्या लिखा, वी कैन हाइड द सेलेक्टेड सेल इन आ वर्कशीट, वर्कशीट में सेलेक्टेड सेल को आप हाइड कर सकते हैं, क्या बोला, सेलेक्टेड सेल को आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला क्या गया है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है या असत्य है बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड द सेलेक्टेड सेल या वर्कशीट, क्या सेलेक्टेड सेल को, सेलेक्टेड बॉक्स को क्या हाइड किया जा सकता है वर्कशीट से, तो ये मतलब देखो सबसे पहले समझिएगा, कोई अगर एक बॉक्स है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सेल को खोलते हैं, तो इस बॉक्स को आप हाइड नहीं कर सकते, जैसे यह बॉक्स है, ये बॉक्स को आप हाइड नहीं किया जा सकता, ये बॉक्स को अगर हाइड करना चाहेंगे तो ये बॉक्स हाइड नहीं होता है, होगा तो यहाँ पे देखिएगा, आप चले जाइए यहाँ पे हाइड, ये बॉक्स हाइड करने का ऑप्शन नहीं देता है, इस पर आप राइट क्लिक करिएगा तब यहाँ पे हाइड, मतलब हाइड होगा तो कॉलम होगा या नहीं तो फिर रो होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है, असत्य है, तो पहला ऑप्शन असत्य होगा, और दूसरा क्या बोला है, जब हम कॉलम या रो को हाइड करते हैं तो संबंधित कॉलम अक्षर या पंक्ति संख्याएँ वर्कशीट फ्रेम में गायब हो जाता है, हाँ उसी कॉलम में जो भी डेटा रहेगा वो गायब हो जाता है, तो पहला यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये सत्य है, असत्य है क्योंकि पहला तो गलत है ना, असत्य है, और दूसरा क्या है, सत्य है, तो अब यहाँ पे दूसरा सत्य, पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, तो ये थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो बोल रहा है कि हम लोग सेल को हाइड कर सकते हैं वर्कशीट से, तो नहीं कर सकते हैं, तो नहीं वर्कशीट कर सकते हैं, तो यह सत्य ही ना होगा, और ये बोल रहा है कि जब हम कोई चीज़ कॉलम को हाइड करते हैं तो उस रो का सारा डेटा हाइड हो जाता है, हाँ भैया सही हाइड हो जाता है, तो ये हो गया असत्य और ये हो गया सत्य, तो यू कैन से थर्ड नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, क्या लिखा हुआ है, कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, है ना, रिसीव द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई अ इनपुट सोर्स एंड सेंड द साउंड द कंप्यूटर, बताइए तो कौन सा डिवाइस होता है स्टूडेंट, तो कौन सा डिवाइस होता है जो क्या बोल रहा है, कौन सा उपकरण होता है किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर को भेजता है, तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस स्टूडेंट जो बताइए, तो इसमें हो गया माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को प्राप्त करता है और कंप्यूटर, नहीं देखते हैं, वेब कैम लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उससे टॉक कर पाते हैं, तो क्या करता है, ध्वनि को प्राप्त करता है और कंप्यूटर को भेजता है, तो यहाँ पे वेब कैम हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइक्रोफोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, माइक्रोफोन हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोफोन हो जाएगा, ठीक है, क्या समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा माइक्रोफोन, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30।